हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से प्रिंट के अंदर वो पावर थी कि जो टैरेंट्स थे, जो तानाशाह थे, उन लोगों को वो अपनी पोजिशन पर हिला सकता था, ये हमने समझा था। अब उस चीज का हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर समझें, उस कंसेप्ट को समझें, तो जो नॉवलिस्ट थे उन लोगों का ये कहना था कि सोसाइटी में चेंज आएगा। आया क्या? जी हाँ, बिल्कुल आया। कहाँ आया? फ्रांस में आया। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोगों ने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था, पता नहीं कितने लोगों को ध्यान है, तो आइए वही यादें ताज़ा करते हैं और उस टॉपिक से मैं आपको रिलेट करवाता हूँ कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की अपब्रिंगिंग में प्रिंट कल्चर ने, प्रिंटेड मटीरियल ने, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। स्टार्ट करें, उससे पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं मैं आपको। ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? 2014-15 में डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद में अभी भी पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है, पीटीज में आ जाता है, हाफ ईयरली में आ जाता है, जिन लोगों को चैप्टर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत पोटेंशियल रखता है अपने आप में, ठीक है। इसकी पोटेंशियल को संभाल के रखो, इस क्वेश्चन को यहीं पे इसी समय याद करेंगे, इसी वीडियो में समझ लेंगे पूरा और आंसर लिख देंगे अगर क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस विद इन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। मतलब स्टेटमेंट ठीक है, इतना तो समझ गए आपकी, प्रिंट रेवोल्यूशन था, प्रिंट कल्चर था, तो उसने एक ऐसी सिचुएशन बनाई जिसके अंदर, जिस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिस सिचुएशन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म दिया या फिर एक फर्टाइल ग्राउंड दिया। अब आपके मन में बिल्कुल इसी तरह से सवाल आए होंगे, ठीक है, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर का क्या रोल रहा होगा, किस तरह से आया होगा। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स दी गई हैं स्कॉलर्स के द्वारा, कुछ आर्ग्यूमेंट्स दी गई हिस्टोरियंस के द्वारा, तो उन आर्ग्यूमेंट्स को समझते हैं और आपको क्या करना है, उन आर्ग्यूमेंट्स को समझना है, आंसर कैसे लिखते हैं, पॉइंट्स कैसे बनते हैं, वो मैंने बना के दिए हैं आपको, और उस आंसर को लिखते आ जाना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद में। एक बार पढ़ेंगे, आखिरी बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिंट कल्चर जो था, तो प्रिंट कल्चर ने कैसे एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करी, उसको मैं तीन पॉइंटर्स में बताता हूं। अगर ये क्वेश्चन आता तो आपने एक इंट्रो दे दिया कि हाँ ठीक है, कि प्रिंट कल्चर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अपब्रिंगिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन विच कैन बी प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। ये आर्ग्यूमेंट्स लिखना और एक कंक्लूजन वाला पॉइंट। पांच मार्क्स में पांच पॉइंट्स पक गए आपके, सीधे पांच नंबर भी पक गए, ठीक है। तो प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स, ठीक है। तो एनलाइटमेंट के जो एनलाइटेंड थिंकर्स थे, उन लोगों के आइडिया को पॉपुलराइज करा प्रिंट ने। अभी मैं समझाता हूं एनलाइटमेंट क्या है, थिंकर्स कौन थे, ये सारी चीजें। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि कुछ सोसाइटी में कुछ थिंकर्स थे, थिंकर्स यानी फिलोसोफर्स थे, जिन लोगों के आइडियाज जो थे बहुत विस्फोटक होते थे, जिन लोगों के आइडियाज अपने आप में करंट थे, जिन्होंने क्या करा, उन फिलोसोफर्स के आइडिया ने सोसाइटी को एक नया डायरेक्शन दिया, एक नया सोचने का तरीका, नया देखने का नजरिया दिया, ठीक है। तो इस तरह के जो आइडियाज थे, वो आइडियाज लोगों तक कब पहुंच पाएंगे, जब आपके पास में एक मीडियम होगा, ठीक है। आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, पैदल पैदल चले जाओगे क्या? जा भी सकते हो, कोई भरोसा नहीं आपका, लेकिन एक मीडियम होगा, जैसे ट्रेन है, ठीक है, एयरलाइंस है, तो उसके थ्रू आप जल्दी पहुंचोगे और मतलब एक बेहतर तरीके से पहुंच सकते हो ना। तो वही चीज है कि आइडिया था, लोगों तक आइडिया पहुंचाना था, मीडियम छूट रहा था, कहीं ना कहीं मीडियम नहीं था हमारे पास में, तो वो मीडियम क्या बना, वो मीडियम बनता है प्रिंट। तो प्रिंट क्या करता है, प्रिंट इन आइडियाज को पॉपुलराइज करता है, लोगों तक पहुंचाता है। अब जब ये आइडिया लोगों तक पहुंच जाएंगे तो उससे क्या होगा, ये जो आइडियाज थे, तो आइडियाज, दीज आइडियाज वर अ क्रिटिकल व्यू ऑन ट्रेडिशंस, सुपरस्टिशंस एंड डेस्पोटिज्म। तो जो डेस्पोटिज्म अभी तक चला आ रहा था, ठीक है, जो एक तरह से अनजस्ट क्रूअल प्रैक्टिस चली आ रही थी, राजा अपने हिसाब से ये चला रहा था, कुछ सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, जो ऐसा माना जाता था, मैंने आपको बताया था, मतलब नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने तो पढ़ाया है, आपने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि राजा जो थे, तो अधिकतर जो किंग वगैरह हुआ करते थे, तो वो क्या डिवाइन राइट्स को क्लेम करते थे कि भगवान ने उन्हें पहुंचाया, बस पैराशूट से एंट्री हुई है उनकी, ऐसा क्लेम करते थे वो लोग, ठीक है। लेकिन क्या वो सही था, नहीं था, सुपरस्टिशन था, वो तो चला आ रहा था कि हाँ राजा को भगवान ने पहुंचाया। तो इस तरह के जो ट्रेडिशंस थे, सुपरस्टिशंस थे, ठीक है, और कह सकते हैं जो डेस्पोटिक पावर का यूज कर रहे थे राजा, तो इन फिलोसोफर्स के, इन एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज जो थे, तो वो इस तरह की चीजों पे क्रिटिकल व्यू रखते थे, वो इसे क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, और बात किस चीज की करते थे, दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन रेदर देन कस्टम। मतलब ऐसा नहीं कि चला आ रहा तो चलते रहेगा, कस्टम बन जाए, उन्होंने बोला हर चीज को सवाल किया जाए,
ठीक है, फिलोसोफर्स की ये आइडियाज थे कि सवाल किया जाए, ठीक है, दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन, रीजन के बेसिस पे बात करने की बात करना चालू की उन्होंने, ठीक है, रीजन एंड रैशनैलिटी की बात उठी यहाँ पे कि सब कुछ रैशनल होना चाहिए, ऐसा है कि दो और दो चार होता है हमें दिख रहा है, अगर आप बोल दोगे कि नहीं वो तो शुरू से ऐसा चलते आ रहा दो और दो पांच, तो वो गलत है, हम रीजन पे रैशनैलिटी पे बात करेंगे। इस तरह के आइडियाज थे किसके, एनलाइटेंड थिंकर्स के, एनलाइटमेंट जिन्हें मिल चुका था, जिन थिंकर्स को उनके आइडियाज ऐसे थे, और इन आइडियाज की मदद, इन आइडियाज को लोगों तक किसकी मदद से पहुंचाया गया, प्रिंट की मदद से। तो पहला आर्ग्यूमेंट यही है कि किस तरह से प्रिंट ने क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा, प्रिंट के माध्यम से जब ऐसे आइडियाज पब्लिश किए गए, जैसे वोल्टायर हो गया, रूजो हो गया, ये थिंकर जो थे, इनके आइडियाज को जब पब्लिक पब्लिश किया गया, पब्लिक तक पहुंचाया गया, तो ठीक है ना, उन्होंने मोनार्की को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया मोनार्की को कि नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा, हम तो ये थिंकर्स की बात से बिल्कुल एग्री होते हैं, मतलब मैं अगर कुछ पॉइंट बताऊंगा आप एग्री होते हो उस चीज से, तो आप सवाल करोगे सामने वाले इंसान से कि यार मुझे ये पॉइंट समझ में आया है, और ये पॉइंट अगर किसी ने समझाया है तो आप इसका मुझे सेटिस्फाइड आंसर दो, आया समझ में, उस तरह से सिचुएशन बनी थी। तो प्रिंट ने क्या करा, एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज को पॉपुलराइज करा, और उन एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज ने क्या किया, दे प्रोवाइडेड अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर रीजन एंड रैशनैलिटी एंड ओवर विच द रेवोल्यूशन अकर्ड। ठीक है, क्लियर है वाला पहला पॉइंट, ठीक है, दूसरे पे आते हैं हम। तो दूसरा क्या है, सिंपल सी चीज है, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। डायलॉग समझ में आता है, जो हीरो बोलता है मूवीज में वो डायलॉग होता है, ठीक है, और डिबेट मतलब क्या होती है, जो हम देखते हैं हमारी पार्लियामेंट में लोग लड़ रहे हैं वो डिबेट होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डायलॉग और डिबेट मतलब क्या है कि प्रिंट के आने से क्या, रिटर्न मटेरियल है बहुत सारा, अब जब रिटर्न मटेरियल है आपके पास में बहुत सारा, तो आप क्या करोगे, उस रिटर्न मटेरियल को एक तरह से आप उस रिटर्न मटेरियल को पढ़ोगे, उसके बारे में सोचोगे, डिस्कस करोगे, डिबेट करोगे, आया समझ में। तो अब जब प्रिंटेड मटेरियल मार्केट में आने लगा, ठीक है, सोसाइटी तक, लोगों तक पहुंच गया प्रिंटेड मटेरियल, बुक्स पहुंच गई, बुक्स में इस तरह के जब आइडियाज थे, तो दे हेल्प्ड इन द रिवॉल्यूशन एंड डिस्कशन ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो मतलब उस समय पे सोसाइटी में जो भी वैल्यूज थी, जो भी नॉर्म्स थे, जो भी इंस्टीट्यूशंस थे, तो उनको रीएवैल्यूएट करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा किसका, प्रिंट कल्चर का, ठीक है, उस उन आइडियाज को, उन वैल्यूज को, उन इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा प्रिंट रेवोल्यूशन का, प्रिंट कल्चर का। तो हम ये क्या समझ सकते हैं इन सारी चीजों से, हम इन सारी चीजों से ये समझ सकते हैं कि लोगों ने क्या किया, पीपल रिकॉग्नाइज द नीड टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीव्स। ठीक है, जब प्रिंटेड मटेरियल आया तो उसने कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट कैसे क्रिएट किया, कि अब लोग जो थे तो वो समझ चुके थे कि हर चीज को क्वेश्चन किया जाना चाहिए, देयर इज अ नीड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, किस चीज को क्वेश्चन करोगे आप, क्वेश्चन करोगे आप मोनार्की को, आप उस समय के इंस्टीट्यूशंस को, वहां पे जिस तरह से चीजें चल रही है उसे क्वेश्चन करोगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही बताता है कि प्रिंट ने क्या किया है, प्रिंट क्रिएटेड अ कल्चर, अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट्स। अभी देखिए क्या करना है आपको, जो ये मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन करा है, ये कंटेंट तो आपकी आंसर कॉपी पे बिल्कुल वैसा का वैसा ही होना चाहिए, आप अंदर वाला कंटेंट अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना। बाकी क्या होता है, जब आप एनसीईआरटी, मतलब एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, बोर्ड्स में आंसर लिखते हैं और आप वहां पर एनसीईआरटी वाले वर्ड्स देते हैं, तो जो कॉपी चेक कर रहा है आपका, ठीक है, तो कॉपी चेक करने वाले इंसान को दिखता कि यार नहीं बच्चे ने पढ़ के आया है, ये एनसीईआरटी के शब्द हैं, मतलब बच्चे ने पढ़ा है, तो वो आंख बंद करके भी टिक लगा सकते हैं आपके आंसर पे। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और तो इस तरह से आपको हेडिंग्स वगैरह जो है तो वो एनसीईआरटी से ही उठाना है, ये एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है, और मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये हमेशा करना है आपको, हर आंसर में करना है। अंदर कंटेंट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और मैं रटने को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूं, कितना रटोगे, चार बुक्स तो सोशल की है, फिर साइंस भी है, और दूसरे साइंस में जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कितनी सारी चीजें हैं, तो उस सेंस में आप रटो मत, लेकिन अब इस लाइन को आप 8, 10, 20 बार पढ़ोगे ना तो अपने आप ध्यान आ जाएगा क्या, कि प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको हेडिंग यही रखना है, अंदर कंटेंट अपना एक्सप्लेन करना है। तीसरा पॉइंट अगर देखें तो आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर क्वेश्चनिंग रॉयलिटी एंड एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। प्रिंट के चलते क्या हुआ, प्रिंट के चलते एक आउटपोर देखने को मिला, मतलब आउटपोर मतलब क्या होता है कि बहुत सारा मटेरियल दिख रहा था सोसाइटी में, मार्केट में, वो मटेरियल और जो कंटेंट था वो किस बारे में था, आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर, जो लिटरेरी मटेरियल था, क्वेश्चनिंग रॉयलिटी एंड एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, मतलब जो रॉयलिटी थी, जो मोनार्की थी, तो मोनार्की को क्वेश्चन कर रहा था कि ये मोनार्की की पोजीशन सही है या नहीं है, इट क्वेश्चन देयर मोरालिटी, उनकी मोरालिटी पे क्वेश्चन किया कि क्या वो सही मोरालिटी के साथ में चीजें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इट ऑल्सो क्वेश्चन ओवर द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, आपको ध्यान हो तो फ्रेंच में जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट सोसाइटी बटी हुई थी,
तो सोशल ऑर्डर को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने. क्यों? क्योंकि वो लिटरेचर को पढ़ रहे थे. अब जो कोई भी पढ़ेगा, आप भी पढ़ रहे हो, आप ज्ञानी बन जाओगे थोड़े दिनों में, ठीक है. अभी इससे पहले आपको ये सब कुछ पता नहीं था, लेकिन आप जब पढ़ोगे एनसीईआरटी की बुक में तो आपको उस चीज का ज्ञान हो जाएगा. तो वैसे ही जब लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, थिंकर्स के आइडियाज को पढ़ना स्टार्ट किया, तो डिबेट डिस्कशन करने लगे, ठीक है. डिबेट डिस्कशन से उनके पास में कुछ कंक्लूजन निकल के आए, कुछ लिटरेरी मटेरियल उन्होंने पढ़ा, तो उससे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस थे, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस मतलब जो मोनार्की थी, ठीक है, जो सोशल ऑर्डर था उस समय का, उसे सवाल करना चालू कर दिया. अब जब आप किसी भी चीज को सवाल करोगे तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जवाब आए, ठीक है. जवाब नहीं आएगा तो आप और उस चीज को जानने के लिए और इच्छुक हो जाओगे. तो अब ये जो लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या था लिटरेचर में, इस लिटरेचर में एक तरीके से हम ये देखेंगे कि इस लिटरेचर में जैसे कार्टून्स और कैरिकेचर्स थे. अब ये जो कार्टून्स और कैरिकेचर्स थे, ये क्या थे? कार्टून्स कैरिकेचर में डिफरेंस समझाता हूं. कार्टून मतलब हम कुछ भी कार्टून बना देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का कार्टून बना दिया आपने, मेरा ही कार्टून बना दोगे थोड़े दिनों में आप, तो वो कार्टून होता है. और कैरिकेचर क्या होता है? कैरिकेचर स्पेसिफिक किसी इंसान का, जब आप एक कह सकते हो कार्टून फेस बनाते हो. जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो रहते हैं, तो पॉलिटिकल लीडर्स के जो कार्टून निकल के आते हैं तो वो कैरिकेचर्स होते हैं. मतलब किसी स्पेसिफिक इंसान का जब बनता है तो वो कैरिकेचर कहलाएगा. और कार्टून इन जनरल किसी भी चीज का, मिकी माउस हो गया, टॉम एंड जेरी हो गया, तो ये कार्टून बन गए. लेकिन कैरिकेचर जब आप किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंसान का बनाते हो कार्टून, तो वो कैरिकेचर कहलाता है. सिंपल सी चीज है, ठीक है. तो अब देखिए यहां पे क्या है, इस तरह से कार्टून्स बनाए जाते थे. कार्टून्स किसी भी चीज पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है. दो आपस में मुर्गियां लड़ रही हैं और वो मैसेज कुछ दे रही हैं कि एक राजा है, एक कुछ है, इस तरह से भी बन सकता है. और कैरिकेचर में मान लो उस समय जैसे लुईस 16 है, तो लुईस 16 का एक कार्टूनी फेस बना दिया, वो कैरिकेचर कहलाएगा, ठीक. तो कार्टून्स और कैरिकेचर्स आते थे कहां पे? सोसाइटी में बहुत ज्यादा आउटपोर हो रहा था. और वो कार्टून्स और कैरिकेचर्स के थ्रू क्या बताने की कोशिश की जाती थी? ये बताया जाता था शोइंग, तो जो कार्टून्स कैरिकेचर्स होते थे, दे वर शोइंग प्लेजर ऑफ मोनार्की. मतलब जो मोनार्की है, जो रॉयलिटी है, वो बढ़िया आराम कर रही है, बहुत प्लेजर में है. एंड दी कॉमन पीपल सफरिंग, और वहीं पे जो आम जनता थी वो कितना परेशान हो रही थी, उस सफरिंग को बताया जाता था. किसकी मदद से? उस सफरिंग को बताया जाता था कार्टून्स कैरिकेचर्स की मदद से. अब इससे क्या हुआ? इट लेड टू दी ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट मोनार्की. और जब इस तरह से ये लिटरेरी मटेरियल सोसाइटी में आना स्टार्ट हुआ, आउटपोर होना स्टार्ट हुआ, तो उसके चलते क्या है कि लोगों के अंदर एक हॉस्टाइल सेंटिमेंट, एक गुस्सा भरा एक सेंटिमेंट, या फिर कह सकते हो एक गुस्से भरा एटीट्यूड डेवलप हो गया. किसके टुवर्ड्स? मोनार्की, ठीक है. तो ये सारी सिंपल सी चीजें थी. ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए कि किस तरह से प्रिंट ने एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज को पॉपुलराइज किया, प्रिंट ने किस तरह से एक नए कल्चर, डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन के एटमोस्फेयर को जन्म दिया, और उसी के साथ साथ में जब जो लिटरेरी मटेरियल आया तो उसने जो क्रूअल फेस था मोनार्की का, उसे एक्सप्रेस किया सोसाइटी के सामने कार्टून्स, कैरिकेचर्स, इन सारी चीजों की मदद से. अब आप इन सारे आर्ग्यूमेंट्स, इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि कैसे प्रिंट कल्चर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, एक फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करा फ्रेंच रेवोल्यूशन को, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन को बढ़ने में मदद दी. अभी क्या होता है कि अधिकतर लोग यहां पे क्या प्रिज्यूम कर लेते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन तो आया ही किसकी मदद से था? प्रिंट कल्चर की मदद से. तो उन लोगों के अरमान जिनके बहुत तेज हो गए कि नहीं नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो प्रिंट कल्चर की मदद से आया, उनके लिए एक कंक्लूजन देना चाहेंगे हम. कंक्लूजन क्या है? प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स, बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली. तो देखिए क्या हो रहा था, जब इस तरह का आर्ग्यूमेंट वाला मटेरियल आ रहा था, प्रिंटेड मटेरियल आ रहा था मार्केट में, तो ठीक उसी समय काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दिए होंगे. मोनार्क वगैरह जो थे, जो रिलीजियस अथॉरिटीज थी, चर्च थे, वो लोग हाथ पे हाथ रख के थोड़ी ना बैठेंगे. वो भी क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तो दोनों के लिए थी बराबर, तो वो भी अपना कुछ मटेरियल पब्लिश करेंगे, ठीक है. तो वो काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देखने को मिलेंगी. मतलब लोग दोनों चीजें पढ़ रहे हैं. मैं क्या पढ़ रहा हूं? मैं ये भी पढ़ूंगा कि डैम्स के एडवांटेज क्या है, मैं वहीं पर यह भी पढ़ूंगा डैम्स के डिसएडवांटेज क्या है. दोनों चीजें पढ़ी ना, तो अब क्या है, अब ये मेरे ऊपर रह गया, मेरी थिंकिंग के ऊपर रह गया कि मैं किस चीज को सपोर्ट कर रहा हूं. तो यहां पे वही बताया गया, प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स. मतलब ऐसा नहीं कि ये प्रिंट हुआ और प्रिंट पढ़ के लोगों का माइंड सबका एकदम राजा के अगेंस्ट चले गया. लेकिन क्या है, तो डायरेक्टली शेप नहीं किया उनके माइंड को, लेकिन उन लोगों ने उस आइडिया को कहीं ना कहीं अपने बैक ऑफ द माइंड रख लिया कि हाँ यार ये गलत है, राजा गलत है और हम इस तरीके से बात करना चाहिए हमें, ठीक है. बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली. लेकिन क्या होता है, लेकिन जब लोग इस प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ते हैं तो एक पॉसिबिलिटी खुलती है उनके सामने. पॉसिबिलिटी किस चीज की? कि वो एक अलग नजरिए से देखें चीजों को. जैसा अभी तक चला आ रहा वैसा नहीं, तो आप पूरा पूरा श्रेय प्रिंट कल्चर को नहीं दोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, लेकिन आप हाँ ये जरूर बोलोगे कि प्रिंट
प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ऐसा नहीं बोलना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ही प्रिंट कल्चर के कारण आया था। सिंपल सी चीज है, आपको तीनों पॉइंट्स लिखना है। आंसर लिखने का फॉर्मेट बता रहा हूं, एक इंट्रोडक्शन, तीन पॉइंट, और उसके बाद में क्या है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में ये वाली लाइन आपकी लास्ट लाइन होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, ठीक है। 5 मार्क्स पूरे पकेंगे, इस पे मार्क्स एक भी नहीं कट सकता आपका, ठीक है, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो हमने इसी के साथ में ये डिस्कस कर लिया वाला कंसेप्ट पूरा कि प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाउ प्रिंट कल्चर ब्रॉट फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड हाउ यू कैन से दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज ब्रॉट बाय द हेल्प ऑफ प्रिंट कल्चर। किसी भी तरह से क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है ना, तो उसको आप उस क्वेश्चन में आपको ये कंटेंट लिखना है या आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिटेल्स पढ़ेंगे इसी चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।